हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 के लिए व्यावसायिक अध्ययन का ओपन बोर्ड का पेपर लेकर आया हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और इन प्रश्नों को जो मैं आपको बता रहा हूं इस बार, वो 100% 100% इस बार आपके ओपन बोर्ड के पेपर में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या, आपको पहले क्या करना है, पहले परीक्षा का दिन लिखना है और उसकी दिनांक लिखनी है। यहाँ पर दिन व दिनांक आ जाएंगे। आगे आपको नीचे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, जो आपके हस्ताक्षर है वो करने हैं दोस्तों। आगे कुछ आपको जानकारियाँ दी हुई है, वो जानकारी आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। और आपके क्वेश्चन के तरीके भी दे रखे हैं भाई, कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लेना, ताकि आप पेपर करते समय कोई गलती ना करो। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्थिक क्रिया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कार्यालय में नौकरी करना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, संगीत सुनना, घर पर परिवार के लिए खाना बनाना। तो इनमें से आपको बताना है कि आर्थिक क्रिया कौन सी है। तो आपका जो ए ऑप्शन है, कार्यालय में नौकरी करना, ये आपकी क्या है भाई, आर्थिक क्रिया है। तो इस प्रकार आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, वे क्रियाएं जो उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं के सुगम प्रवाह है एवं व्यवसाय के संचालन की सरल क्रिया बनाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रय विक्रय, विपणन, व्यवसायिक सहायक क्रियाएं या फिर व्यापार। तो चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको चूज करके लिखना है। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है अनार्थिक पर्यावरण में सम्मिलित है, औद्योगिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, मौद्रिक पर्यावरण या आयात निर्यात नीतियां। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व की विशेषताएं है, सीमित संसाधन, प्रेरणा, असीमित देयता या फिर निरंतरता। तो चार ऑप्शन है, आपको चार में से एक ऑप्शन आपको चूज करके लिखना है। आगे पांचवा क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं, 60 हो सकती है अधिकतम, अधिकतम संख्या 20 या फिर अधिकतम संख्या 50। तो आपको इसका आंसर देना है। आपका छठा क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी का एक उदाहरण है, भारतीय खाद्य निगम, डाक एवं तार, राज्य व्यापार निगम, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड। आगे आपके पास सातवां क्वेश्चन है, योजना प्रक्रिया का अंतिम चरण है, क्रियान्वयन करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, लक्ष्य निर्धारण, उपयुक्त कार्य प्रणाली का चुनाव करना। आगे आठवां क्वेश्चन है, भर्ती का आंतरिक स्रोत है मीडिया और या मीडिया द्वारा विज्ञापन, पदोन्नति, कैंपस साक्षात्कार और रोजगार कार्यालय। तो ये आपका आठवां क्वेश्चन है। आगे आपका नौवां क्वेश्चन है, संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए व्यवसाय को वित्त की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं मध्यकालीन वित्त, ऋण एवं अग्रिम, अल्पकालीन वित्त, दीर्घकालीन वित्त। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चूज करके लिखना है। ये क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का रहेगा। आगे दसवां क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान है, कह रहा है कि म्यूचुअल फंड्स को मुख्य रूप से रिक्त स्थान भागों में बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4, 5, 2 या 3। तो जो ऑप्शन सी है वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है, यानी अपने पेपर में लिखना है दोस्तों, जो आपको कॉपी दी जाती है उसमें आंसर लिखने हैं। आगे आपका 11वां क्वेश्चन है कि आपकी राय में निर्देशन के किन्हीं 3 घटकों का संक्षिप्त में समझाइए। 12वां क्वेश्चन है, आपके विचार में वित्तीय प्रबंधन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखिए। ये आपके क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। आगे 13वां क्वेश्चन है, शून्य स्तरीय वितरण माध्यम से आप क्या समझते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, विपणन शब्द को स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, विज्ञापन क्या है, विज्ञापन के बारे में आपको लिखना है। आगे अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 4-4 नंबर के, तो आपको उसी प्रकार लिखना है, यानी कम से कम आपको इनका एक पेज में आपको इनका आंसर देना है दोस्तों, कम से कम एक पेज में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनका आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वरोजगार क्यों महत्वपूर्ण है, किन्हीं 4 बिंदुओं को समझाइए। आगे 17वां क्वेश्चन है, प्रबंध का क्या महत्व है, समझाइए। 18वां क्वेश्चन है, आपकी राय में एक संगठन में नियंत्रण क्यों आवश्यक है, कोई 4 कारण लिखने हैं।
1981 में प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक बाजार में आप अंतर कैसे करेंगे, समझाइए। आपको कम से कम 4 अंतर लिखने होंगे। 20वां क्वेश्चन है, विभागीय भंडार की सीमाएं बताइए, तो आपको सीमाएं बतानी है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। आगे 21वां क्वेश्चन है, जो आपके अब 5-5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कम से कम 1.5 पेज में आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो आपका 21वां क्वेश्चन है, सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण के लाभ लिखिए। 22वां क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व व्यवसाय की सीमाओं का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन है, नियंत्रण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 24वां क्वेश्चन है, ऋण पत्रों से क्या लाभ है। 25वां क्वेश्चन है, एक उत्पादक के नाते अपने उत्पाद के विक्रय परिवर्तन के लिए आप क्या करेंगे, समझाइए। कोई 5 आपको उपाय लिखने हैं कि कौन कौन से आप उपाय एक उत्पादक के नाते अपने उत्पाद के विक्रय विवर्तन के परिवर्तन के लिए करेंगे। आगे 26वां क्वेश्चन है, सभी प्रबंधकीय कार्यों में नियोजन महत्वपूर्ण, कैसे अपना मत दीजिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने संगठन में नियुक्तिकरण प्रक्रिया के प्रथम 6 चरणों को समझाइए। आगे 27वां क्वेश्चन है, आपकी राय में अंशों व ऋण पत्रों में क्या अंतर है, समझाइए। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, अपने व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आगे 28वां क्वेश्चन है, विक्रय व विपणन में अंतर लिखिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, विज्ञापन ग्राहक को व समाज के लिए हानिप्रद है, समझाइए। आगे 29वां क्वेश्चन है, किसी अन्य देश को माल का निर्यात करने में आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे, प्रथम 6 चरणों को समझाइए। आगे 29वें के क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन है, कि एक उपभोक्ता के नाते किन्हीं 6 उत्तरदायों का वर्णन कीजिए। आगे 30वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, समन्वय क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है आपके पास, इन 30 क्वेश्चनों को आपको अच्छी प्रकार से तैयार करने और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, हमारा ये वीडियो, संस्कार कोचिंग एकेडमी का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको अब आपके पास आपको क्या है भाई, ये 30 क्वेश्चन पता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 100 में से 100 नंबर लेकर इस बार आओगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। और जो आपके दोस्त हैं उनको भी आप अच्छे नंबरों से पास कराओगे ये वीडियो उन तक शेयर करके। तो जल्दी से दोस्तों ये वीडियो उन तक शेयर कर दो और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।